दोस्तों, अगर आप बाहर निकलते हो, लोगों से पूछते हो कि भाई इंसान के जीवन में प्रेम का क्या महत्व होता है, अगर किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से प्रेम हो जाता है तो उनके जीवन में प्रेम का कोई पॉजिटिव असर होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, या प्रेम होने के बाद उसकी लाइफ में सब बुरा ही बुरा होने लगेगा। 90 से 95% लोग आपको कहेंगे कि भाई अगर आपको किसी से प्रेम हो गया ना, प्यार हो गया आपको, तो लगभग लगभग आपकी लाइफ की वाट लगने की शुरुआत हो गई है। मतलब मोस्ट ऑफ लोग प्रेम को नेगेटिव मानते हैं, पर उनकी गलती नहीं है। आप मोस्ट ऑफ देखते होंगे, आपने एग्जांपल बहुत देखे होंगे कि कई लोग देवदास बने घूमे होते हैं प्रेम के कारण, रियल में उनकी लाइफ बर्बाद हुई है। पर फिर भी हम प्रेम को सही या गलत नहीं कह सकते कि प्रेम होना मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ बुरा होता है, क्योंकि प्रेम का अपना खुद का एक अस्तित्व है। अगर आप अपने जीवन में प्रेम को पॉजिटिव वे में लेकर आगे जाते हो तो ये आपकी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकती है, बहुत खूबसूरत बनाती है, आपकी लाइफ को बहुत आगे लेकर जा सकती है। पर अगर आप अपनी लाइफ में प्रेम को नेगेटिव वे में लेकर आगे चलते तो ये आपकी लाइफ को इतनी बुरी तरह से बर्बाद करेगी कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इस तरह से तहस नहस कर सकती है, आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। पर फिर भी प्रेम के कारण कई लोगों के जीवन बहुत ऊपर तक गए हैं, देख ही रहे हो कि प्रेम के कारण कई लोगों के जीवन एकदम बर्बाद हुए हैं। दोस्तों, एग्जांपल तो बहुत होंगे, लेकिन एक व्यक्ति का नाम आपने बहुत सुना होगा, वो है तुलसीदास। अब तुलसीदास ने अपने जीवन में कितने भी बड़े काम किए, आपको पता है कि रामचरितमानस के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। उसने अपने जीवन में इतना बड़ा काम किया, उनका नाम उनकी मृत्यु के बाद भी, कितने समय बाद भी लोग आज भी याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ना ये काम करने की प्रेरणा प्रेम से मिली थी। ये जोश, ये जुनून प्रेम के कारण, पहली बार प्रेम ने उनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया। हालांकि हम ये मानते हैं कि शायद दिल टूटने के बाद ही इंसान के अंदर वो जोश और जुनून पैदा होता है। नहीं, उन्होंने कोई नेगेटिव वे में प्रेम को नहीं लिया, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लिया। शायद ही कोई इंसान प्रेम को इतना ज़्यादा पॉजिटिव वे में ले सकता है। अगर तुलसीदास के जीवन के बारे में हम बात करें तो उनका जीवन बचपन से ही बहुत ही बुरी परिस्थितियों में गुजरा हुआ है। बचपन से उनके माँ बाप ने उनको शायद इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो उनको कुछ अनलकी मानते थे। शायद उनका जन्म ऐसे मतलब मुहूर्त पे, ऐसे समय पे हुआ था कि उनको लगता है कि इनके जन्म के कारण उनके माता पिता के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। तो जैसे जैसे वो बड़े हुए होंगे, दूसरे लोगों के साथ उन्होंने डील किया होगा, तो समाज, सोसाइटी, मतलब बहुत ही पीड़ाओं के साथ वो अपने जीवन को गुजार रहे थे। पर जब उनका विवाह हुआ अपनी पत्नी के साथ, तब पहला व्यक्ति उनके जीवन में आया जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया, बहुत प्रेम दिया। और आप यकीन मानो कि उस इंसान को कितना अच्छा महसूस हुआ होगा कि पूरी दुनिया ने इतने समय तक उस इंसान को धुतकारा होगा, उनको नफरत दी होगी, उनको गालियाँ दी होगी, ठोकरें मारी होगी, और एक इंसान आता है कि उनको भगवान की तरह पूछता है। तो मतलब उनके लिए उनकी जो वाइफ थी वो सब कुछ थी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। ऐसा नहीं था कि जस्ट अट्रैक्शन था, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और उनका कारण था कि पूरी दुनिया की ठोकर खाने के बाद उनको एक ऐसा इंसान वास्तव में मिला जो उनको दिल से प्रेम करता था और उनकी पूरी तरह से वो सेवा करते थे। तो तुलसीदास वो अपने पंडित थे, वो अपने धर्म के कार्यों में और इन सारी चीज़ों में बिजी रहते थे, पर हमेशा उनके मन में अपनी पत्नी का चिंतन रहता था क्योंकि उनको अधिक प्रेम करते थे। इसमें एक बार होता ये कि तुलसीदास की जो पत्नी थी 2-3 दिन के लिए अपने मायके जाती है और तुलसीदास उनके बिना बेचैन होने लगे। उनका ये विरह उनसे सहन नहीं हुआ और वो पहुंच गए अपने ससुराल। तो जब अपने ससुराल पहुंचते हैं तो उनके ससुराल वाले ना ये चीज़ों को समझ गए कि तुलसीदास अपने पत्नी के बिना एक दिन भी रह नहीं पाते। तो उसके कारण उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा कि लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे, आपके बारे में क्या क्या बोलेंगे, कि आप एक पल भी मेरे बिना रह नहीं पाते। मतलब पहली बार उनकी पत्नी को तुलसीदास के ऊपर इतना ज़्यादा क्रोध आया कि आप तो एकदम मेरे प्रेम में पागल हो, मैं हूँ ही क्या, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उनको सुनाने लगी कि मेरा शरीर है ही क्या, हड्डी और मांस है, उससे सिवा तो कुछ है ही नहीं। आप इतना ध्यान लगा रहे हो, मतलब मेरे बारे में इतना सोचते हो, अगर आप इतना ज़्यादा भगवान के बारे में सोचो, राम के बारे में सोचो, तो ये जो आपका पूरा जीवन है ना, उनके मायने बदल सकते हैं। तो तुलसीदास को ना यहाँ से बहुत बड़ा झटका लगता है। अब किसी इंसान ने उनको 2 बातें सुना दी, पर उनको उनके जीवन में ना बहुत बड़ा झटका उनके पत्नी के इन वचनों से लगा। तुलसीदास के जीवन में प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं थी, बचपन से बड़े थे, और ये तो बहुत छोटी बात थी जो उनकी वाइफ ने उनको कही थी, इससे भी लोगों ने उनको बड़ी बड़ी चीज़ें सुनाई थी। पर इंसान जिनसे प्रेम करता है ना, वो इंसान अगर उनको 2 भी चीज़ ऐसी कह दे जो बहुत मामूली है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि वो उस इंसान ने कहा है जिसे हम प्रेम करते हैं।
आपकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम होंगे, आप नोटिस करना, वो सारे प्रॉब्लम को एक टाइम के बाद आप भूल सकते हो, लेकिन जहाँ पर आपका दिल टूटता है, जिस इंसान को आप प्यार करते हो वो आपको हर्ट करता है, वो बात आपको लंबे समय तक याद रहती है। तो यहाँ पर तुलसीदास चाहते तो इस चीज़ को ना नेगेटिव वे में ले सकते थे कि बस यही तेरा प्यार था, तू भी और दुनिया की तरह निकली, पूरी दुनिया मुझे ऐसे ही ट्रीट कर रही थी अब तक, और तूने भी लास्ट में मेरे साथ यही किया, दुनिया जैसा व्यवहार। पर उन्होंने इस बात को नेगेटिव वे में नहीं लिया, उन्होंने इसको पॉजिटिव वे में लिया कि उनकी पत्नी ने रियल में सच कहा है, मैं उसको जितना प्रेम करता हूँ, उसके बारे में जितना सोचता हूँ, उनके बिना रह नहीं पाता, अगर मेरी आसक्ति सारी प्रभु में लग जाए, ईश्वर में लग जाए, तो रियल में मैं ईश्वर को पा सकता हूँ। और उन्होंने अपने पत्नी की बात को मान लिया, और उसके बाद पूरी दुनिया जानती है कि रामचरितमानस के साथ तुलसीदास का नाम जुड़ा हुआ है। तो इतना बड़ा काम करने की प्रेरणा इंसान को प्रेम ही दे सकता है, क्योंकि उस इंसान ने कहा कि तुम मेरे में जो ध्यान लगा रहे हो, मेरे बारे में जो सोचते हो, वो ईश्वर के बारे में सोचते, अगर भगवान के बारे में सोचते तो तुम अपने जीवन को धन्य बना ही लेते। तो ये बात उनको दिल से लग गई, क्योंकि उन्होंने ना पॉजिटिव वे में लिया, उन्होंने बिल्कुल इस बात को नेगेटिव वे में नहीं लिया। बाकी इंसान के जीवन में तकलीफें दुख तो कई तरह से आती है, और ये हमेशा से आती है, लेकिन प्रेम में ना कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये कि आपका फोकस, कभी भी जब आपको प्रेम होगा ना तो आपको उस इंसान के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका फोकस वहीं पर हो जाएगा, आप हमेशा उनके बारे में सोचते रहोगे। बाकी अगर आपको कोई स्किल सीखनी है, कोई काम करना है, वहाँ पर जबरदस्ती धीरे धीरे आपको अपना ध्यान लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना नहीं पड़ेगा। दुनिया में एकलौती एक प्रेम ऐसी चीज है जहाँ पर आपको ध्यान लगाना नहीं पड़ता, जबरदस्ती आपका ध्यान वहीं पर लग जाता है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो सारे प्रॉब्लम एक तरफ है, और जब आपका दिल टूटता है, जब आपको ठोकर लगती है प्यार में, तब जो चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आती, तब जो आपको रियल में फ़र्क पड़ता है ना, वो कुछ अलग लेवल का ही होता है। आपकी लाइफ में ना ये फ़र्क, ये डिफरेंट प्रेम के कारण होगा, बाकी दुनिया की कोई भी बुरी की बुरी चीज़ हो जाए, आपको उस चीज़ से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि प्रेम का मतलब होता है कि आप किसी को प्रेम करते हो, मतलब आप अपने अस्तित्व को किसी और व्यक्ति में देखते हो। आप प्रेम का मतलब ये नहीं निकाल सकते कि मैं तुझे इतना प्रेम कर रहा हूँ, मैं तेरे बारे में इतना सोच रहा हूँ, तो तू भी बदले में मेरे साथ ये करे, नहीं, उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को एज इट इज़ समझना, और उन सारी चीज़ों को ना एक पॉजिटिव वे में लेना ही प्रेम होता है। अगर प्रेम में आपके साथ कुछ भी हुआ है, किसी इंसान ने आपको ठुकरा है, आपको ना समझा है, तो आप उन सारी चीज़ों का पॉजिटिव मीनिंग निकाल सकते हो अपनी लाइफ में, ये सारी चीज़ें क्यों हुई आप उनके बारे में सोचिए। क्योंकि हम सोचते तो बहुत ज़्यादा है और ये एक प्रॉब्लम बन गई है, पर हम अपनी सोच को ना नेगेटिव वे में ही लेकर जा रहे हैं। बस हमारी बातें यही होती है कि मैंने इस इंसान को इतना प्यार किया, पर इस इंसान ने कभी नहीं सोचा। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए ना, अगर किसी इंसान ने आपको ठुकराया है, अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक मौका है, कहीं ना कहीं आपका दर्द, आपका पेन आपकी ताकत बन सकती है। आप उनका यूज़ तो करिए, आप उनके बारे में पॉजिटिव होकर तो सोचिए कि अब मुझे इस दर्द के साथ, इस पेन के साथ लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, आपके लिए कई रास्ते खुल जाएंगे। पर अगर आप जस्ट ऐसा ही मानोगे कि प्रेम ऐसा होता है, वैसा होता है, या वो इंसान ऐसा था, वो गलत था या सही था, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी, पर प्रेम के बारे में आपका नज़रिया क्या है। तो इस तरह से अगर आप पॉजिटिव वे में लेकर जा सकते हो, तो तुलसीदास की तरह कई लोगों ने प्रेम के कारण अपने जीवन को धन्य बनाया। बाकी आपने ऐसे बहुत सारे लोग तो इसे देखे होंगे जो प्यार में, किसी के प्यार में बर्बाद हो रहे। थैंक यू सो मच।